जयपुर विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ बिड़ला सभागार में। राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधन दिया। मुख्यमंत्री गहलोत ने कार्यक्रम में शिरकत की और साथ ही तंबाकू के सेवन पर सभी को कहा कि आप सभी को पता है कि इसके सेवन से नुकसान होता है, और साथ ही एक बड़ा फैसला लिया राजस्थान में ई सिगरेट को बैन करके, और ये भी कहा कि मुश्किल से इसे कोई छोड़ पाता है और इसीलिए इसे लत कहते हैं, लेकिन कई बार इस लत के चलते जान चली जाती है। इच्छा शक्ति हो तो इस पर भी विजय पाई जा सकती है, ये कहना था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित एक कार्यक्रम में। और कैंसर समेत कई बीमारियों के उपचार में लाखों रुपए खर्च होते हैं, एक बड़ा फैसला कि सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया गया, जो कि अपने आप में एक बड़ा कदम होगा। सिगरेट पर प्रतिबंध लगाना काफी मुश्किल काम था, ये कहना था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। और साथ अशोक गहलोत ने हुक्का बार के संचालन को एक बड़ी बीमारी बताया और कहा कि आजादी के बाद गुजरात में शराबबंदी की गई, गुजरात में आज सबसे ज्यादा शराब का सेवन होता है। गुजरात में चुनाव के दौरान मैं एक महीना रहा और इसी दौरान देखने को मिला कि वहां शराब निषेध होने के बावजूद भी लोग आराम से इसका सेवन करते नजर आते हैं।